हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ टेलर सीरीज़, और दिस इज़ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हम टेलर सीरीज़ और मैकलॉरिन सीरीज़ नॉर्मल किसी फंक्शन की सीरीज़ निकालने के लिए पढ़ते हैं, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में भी इस टाइप के टॉपिक है जहाँ पे हम दो सीरीज़ पढ़ेंगे, वन इज़ टेलर एंड सेकेंड वन इज़ लॉरेंट सीरीज़। सो इससे पहले मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट बनाया था आपके सामने कि कोची रीमान कंडीशन क्या होती है और कैसे हम पता लगाते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। उसके बाद जो मेरा सेकंड लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट दे रखा है तो इमेजनरी पार्ट कैसे निकालेंगे, और अगर इमेजनरी पार्ट दे रखा है तो रियल पार्ट कैसे निकालेंगे। उसके बाद मेरा जो थर्ड वीडियो था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो और उसमें रियल पार्ट दे रखा है तो कैसे हम उसका फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय द मिलने थॉमसन मेथड। उसके बाद मैंने एक और लास्ट में जो लेक्चर लिया था वो था बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको सभी ये वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पे जो आई टेब आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि वो देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आएगा, बिकॉज इट इज़ द कंटिन्यूस पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। सो अभी अपन लेने वाले हैं कॉम्प्लेक्स में लॉरेंट आई मीन टेलर सीरीज। सो टेलर सीरीज होता क्या है? इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक इनसाइड अ सर्कल सी with the center at z is equal to a, then it can be expanded in the series this, like fz is equal to f a z minus a upon 1 factorial f dash a z minus a ka whole square upon 2 factorial f double dash a z minus a power n upon n factorial f dash a। पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो पॉइंट है ये इस फंक्शन इस एनालिटिक फंक्शन के अंदर लाई करना चाहिए, आउटसाइड लाई नहीं करना चाहिए। अगर आउटसाइड लाई करेगा तो हम इसको इस सीरीज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। सो अभी क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सपेंड 1 अपॉन z प्लस 1 अबाउट z इज इक्वल टू 1 इन द टेलर सीरीज। इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा, एक तो अपने पास ये सीरीज वाला मेथड है और एक और दूसरा मेथड है जो हम बाइनोमियल सेट्स को एक्सपेंड करेंगे। बट फर्स्ट मेथड देखिए, है ना। सो मेथड फर्स्ट क्या बोलता है, ये हमारा एफ जेड है और ए हमारा यहाँ पे कितना है, 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन z प्लस 1, तो हमें एफ ए रखना है, दैट इज एफ, a की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2। फिर हमें यहाँ निकालना f डैश a, तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन z का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जहाँ पर z है वहाँ पे वापस हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यह 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज माइनस का 1 बाय 4। नाउ अब हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, सो एफ डबल डैश जेड इज इक्वल टू, ये आएगा डिफरेंशिएशन माइनस 2, सो दिस इज 2 अपॉन जेड प्लस 1 का क्यूब, और हम यहाँ पे जहाँ पर जेड है वहाँ 1 रखेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 का होल क्यूब, सो दिस इज 2 अपॉन 8 दैट इज अगेन 1 बाय 4। एंड इसी टाइप से हम इसका चाहें तो थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, सो ये थर्ड टाइम करेंगे तो माइनस 6 अपॉन जेड प्लस 1 पावर 4, और जहाँ जेड है वहाँ हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, सो ये हमारे पास भी ले आएगी 2 1 प्लस 1 आई मीन 6 1 प्लस 1 पावर 4 दैट इज 6 अपॉन 16 दैट इज 3 बाय 8, और इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, राइट। अब ये सब वैल्यू कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे, और हमें किसके अलोंग निकालना है, जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे निकालना है, तो हम इसको एक बार फार्मूले को लिखते हैं। सो एफ जेड इज इक्वल टू, ये आएगा एफ वन प्लस जेड माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश 1 जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 1 जेड माइनस 1 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 1 एंड डैश डैश डैश। नाउ हम इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, सो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ 1 रखेंगे, राइट। नाउ अब फंक्शन की वैल्यू रखिए, सो एफ वन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, सो एफ वन इज इक्वल टू दे रखा हमारे पास 1 बाई 2 जेड माइनस 1 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, सो एफ डैश 1 की वैल्यू दे रखी है आपको 1 बाय 4, तो मैं माइनस लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 4, राइट। एंड नाउ यहाँ पे आपको एफ डबल डैश 1 अगेन 1 बाय 4 दे रखा, पर ये 2 है तो ये आएगा आपके पास 1 बाय 8 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ट्रिपल डैश माइनस 3 बाय 8, सो दिस इज माइनस 3 बाय 8, और इसका 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, सो जेड माइनस 1 का क्यूब, इस तरह से हमारे पास ये सीरीज चलती रहेगी, राइट। अगर हम चाहें तो यहाँ पे 1 बाय 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको, सो एफ जेड इज इक्वल टू, मैंने 1 बाय 2 कॉमन निकाला, सो ये आया मेरे पास 1 माइनस जेड माइनस 1 अपॉन 2,
देन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा आपके पास z माइनस वन अपॉन टू अपॉन यहाँ पे 8 है तो कॉमन निकालेंगे तो 4 हो जाएगा ये माइनस 3, और 3 से कैंसिल करेंगे दैट इज 1 बाय 16 जेड माइनस 1 का क्यूब। इस तरह से ये हमारी सीरीज चलेगी एंड दिस इज द आंसर ऑफ राइट। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से करेंगे और सेकेंड मेथड मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी है और आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कभी कॉम्पिटिशन में तो आपको ये मेथड ही यूज़ करना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, जो भी हमें दे रखा है उसको z प्लस 1 मान लीजिए और आपको यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 पे करना है। तो सेकंड मेथड में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आप ये 1 है इसको इधर ले आइए तो z माइनस 1 इज इक्वल और z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और हम इस जो z माइनस 1 इसको क्या मान लीजिए आप t मान लीजिए राइट। जिस पॉइंट पे दे रखा है उस पॉइंट को इधर लाइए और उसको आप क्या मान लीजिए t मान लीजिए क्लियर। और अब इसको t की फॉर्म में लिखेंगे आप। सो दिस इज, अब z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, z की वैल्यू 1 उधर जाएगा तो z की वैल्यू आ रही है t प्लस 1, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे t प्लस 1 प्लस 1 राइट है ना। यहाँ से अगर आप z की वैल्यू निकालोगे तो आएगा t प्लस 1 क्लियर। सो एफ टी इज इक्वल टू ये आएगा 1 अपॉन t प्लस 2 क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन निकालेंगे बाहर है ना, क्योंकि हम इसको एक्सपांड करना चाहते हैं क्लियर। सो एफ टी इज इक्वल टू मैं टी को 2 को बाहर निकालूंगा तो 2 को बाहर निकालूंगा दिया आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी बाई 2 क्लियर। नाउ इसको ऊपर ले जाइए आप। सो एफ टी इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास 1 बाई 2 1 प्लस टी बाई 2 का इनवर्स। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बाइनोमियल का फार्मूला समझाना चाहता हूँ कि बाइनोमियल जो 11th क्लास में हम पढ़ते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन वो यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलता है ध्यान दीजिए आप, 1 प्लस एक्स का इनवर्स होता है, एक होता है 1 माइनस एक्स का इनवर्स। बट ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए राइट। तो इसको खोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ऐसे चलता रहता है ना। और यहाँ अगर करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो सभी टर्म क्या होती है यहाँ पे प्लस की होती है, सभी टर्म प्लस की होती है क्लियर है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला, देखो प्लस और माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। कैसे आएगा देखिए आप, ये आएगा ये माइनस यहाँ आएगा तो 1 माइनस टी बाई 2 प्लस ये आएगा आपके पास टी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आएगा आपके पास टी बाय 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल टी बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से खोलेंगे इसको राइट, और ये वापस माइनस आएगा क्लियर है ना। जहाँ x है वहाँ t बाई 2 रख दीजिए आप, x एक्सपेंशन में जहाँ पर x है वहाँ पर रख देंगे आप t बाई 2 रख दीजिए तो ये खुलेगा आपका क्लियर। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा 1 बाई 2 1 माइनस टी बाई 2 और ये 4 और 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो आएगा वो क्या आएगा, अगला भी मैं आपको बता देता हूँ, अगली जो वैल्यू है 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा एंड यहाँ आएगा टी बाई 2 का होल क्यूब और ये माइनस आएगा क्लियर। सो यहाँ पे आप इसको खोलेंगे तो कितना आएगा देखिए आप, अगला आएगा आपके पास माइनस का टी क्यूब अपॉन ये आएगा आपके पास 8 और 8 16 और 16 और 3 तो यहाँ से 3 क्या हो रहा हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल राइट। सो 3 फैक्टोरियल 6 और टी माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आ रहा है और ये आएगा सॉरी थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है फार्मूला, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन दिस है ना। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं आता, ये आता है 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता। सो दिस इज द करेक्शन। सो मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, मैंने गलत बताया यहाँ पे है ना। सो खोलेंगे इसको अपन तो ये आएगा 1 माइनस टी बाई 2 देन टी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस टी बाई 2 का होल क्यूब। सो इस तरह से होगा ये, देन यहाँ पे आपका क्या आएगा ये 1 माइनस टी बाई 2 टी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस टी क्यूब अपॉन 8। इस तरह से हमारी क्या होगी ये सीरीज होगी, और जहाँ पर भी टी है वहाँ हम कितना रख देंगे। और यहाँ पे भी करेक्शन था, ये 3 टू ज़ा 6 था सो 8 टू ज़ा 16 आएगा ये, तो दिस इज द सॉरी 8 टू ज़ा 16 है, ये 16 है और 16 में से 2 बाहर निकाला तो दिस इज 8। सो दिस इज द करेक्शन। नाउ अब क्या करेंगे, जहाँ पर भी जेड है जहाँ टी है वहाँ पर कितना रख देंगे हम जेड माइनस 1, तो ये आएगा जेड माइनस 1 अपॉन 2 ये आएगा z माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 ये आएगा z माइनस 1 का क्यूब अपॉन 8
सो दिस इज द आंसर. देखो बिल्कुल सेम आ रहा जो हमारा पहले आ रहा था, और इसको यहाँ पे वापस हम क्या रख देंगे, एफ जेड रख गए. तो स्टूडेंट्स ये फार्मूले के साथ मैंने एक्सपेंशन बताया था, और ये मैंने आपको बाइनोमियल के हिसाब से बताया, और दिस इज द सेकंड मेथड, और दोनों में हमारा आंसर क्या आ रहा है, लगभग सेम आ रहा है. सो मैं आपके सामने दो क्वेश्चन और लूंगा इस टॉपिक पे, फिर अपन आगे बात करेंगे. सो हम यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन अबाउट z इज इक्वल टू 2 एंड फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. आपको यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालना है कि किस पॉइंट से कहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, राइट. इफ द सेंटर ऑफ सर्कल, मैं बताता हूँ, इफ द सेंटर, यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 के अबाउट आपको दे रखा है, तो इसका जो सेंटर होगा वो कितना है, 2 होगा, राइट. इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज एट z इज इक्वल टू 2 देन द डिस्टेंसेज ऑफ द सिंगुलरिटी इज 3 एंड 4 फ्रॉम द सेंटर आर 1 एंड 2. आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, और वो पॉइंट 3 और 4 है, क्लियर है. तो आपको ये दिखाना है कि ये जो 3 और 4 है ये इस सर्कल से क्या होने चाहिए, आउटसाइड होने चाहिए, राइट. बिकॉज अगर इनसाइड होगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा इन पॉइंट्स पर, हम इसकी टेलर सीरीज नहीं निकाल सकते, क्लियर है. टेलर सीरीज के लिए जो भी पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर एनालिटिक होना चाहिए, और मतलब सिंगुलर पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, राइट. तो मतलब आपको ये दिखाना है कि जो 3 और 4 है या तो ऊपर सर्कल पे लाई कर रहा है या फिर ये आउटसाइड है, क्लियर. सो यहाँ पे जो सिंगुलर पॉइंट है वो क्या है, 3 एंड 4 है, और ये 3 और ये 4 है, तो आपको ऐसा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेना है जिससे ये 3 और 4 क्या दिखे, बाहर दिखे, राइट. और आपको इसका सेंटर 2 दे रखा है, तो ध्यान दीजिए हमारा जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, जेड माइनस सी इज इक्वल टू आर, और इसका सेंटर हमारे को 2 दे रखा है, तो इसकी रेडियस अगर हम 1 ले लें, राइट, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, ये होगी, और यही इसका क्या होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा. और इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में ये जो सीरीज होगी ये क्या कर रही हो, क्या होगी, डिफाइन होगी, क्लियर है. तो अब आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको निकालेंगे बाहर. सो सबसे पहले तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट. सो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करते हैं, ध्यान दीजिए इधर. सो हम यहाँ पे इसकी सीरीज निकालेंगे, और इसकी सीरीज में आप देखिए आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा एफ जेड है, और एफ जेड है जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 3 इंटू जेड माइनस 4. यहाँ पे आपको जेड इज इक्वल टू 2 पे निकालना, तो हम क्या करेंगे, लेट जेड माइनस 2 इज इक्वल टू टी मान लीजिए. अगर इसको टी मानेंगे तो आप जानते हैं जेड इज इक्वल टू कितना होता है, टी प्लस 2. ये उठा के रखिए यहाँ पे, जेड की जगह टी प्लस 2 रखेंगे तो ये होगा टी प्लस 3, यहाँ टी प्लस 2 रखेंगे तो ये आएगा टी माइनस 1, और यहाँ पे टी प्लस 2 रखेंगे तो ये आएगा टी माइनस 2, राइट. ना इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन बता देता हूँ कैसे करेंगे हम. ये आएगा आपके पास टी प्लस 3, देन आपके पास आएगा टी माइनस 1 एंड टी माइनस 2. दिस इज ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी माइनस 2, जहाँ पर टी हम 1 रखेंगे, 1 रखने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 0 हो रहा है, तो ये आएगा 1 पे 0 रख रहा है, तो जहाँ पे टी हम 1 रखेंगे तो ये आएगा 4, और दिस इज माइनस 1, तो माइनस 4 इसकी वैल्यू है. यहाँ टी की जगह 2 रखने पर 0 हो रहा है, तो इसको छुपाइए, जहाँ पे टी वहाँ 2 रखें. दिस इज द शॉर्टकट मैथड टू फाइंड द पार्शल फ्रैक्शन. सो 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 5. ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एफ टी की वो आएगी ए, दैट इज माइनस 4 अपॉन टी माइनस 1 एंड दिस इज 5 अपॉन टी माइनस 2. नाउ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हम जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो आप जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, 1 प्लस एक्स का इनवर्स या 1 माइनस एक्स का इनवर्स, तो क्या होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. तो ये जो एक्स है ये एक से छोटा होना चाहिए, तो और यहाँ पे आगे 1 होना चाहिए, तो इसलिए हमें इस 1 को आगे करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा माइनस 1, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस टी, और यहाँ से भी माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तभी 1 बनेगा. सो दिस इज माइनस 2, 1 माइनस टी बाई 2. नाउ अब क्या करेंगे हम, एफ टी दिस इज ऊपर ले जाइए इसको, सो 1 माइनस टी का इनवर्स माइनस 5 बाई 2, 1 माइनस टी बाई 2 का इनवर्स, ना इसको खोलेंगे हम, सो एफ टी इज इक्वल टू 4, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, चलता रहेगा ऐसे, माइनस 5 बाई 2, 1 प्लस टी बाई 2 प्लस टी स्क्वायर बाई 4 प्लस टी क्यूब बाई 8, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना. सभी टर्म प्लस की आएगी ना, क्योंकि माइनस माइनस है. नाउ इसको हम क्या करेंगे, टर्म को एक साथ लिखेंगे, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म 4 है और यहाँ माइनस 5 बाई 2, इसको एक साथ लिखेंगे तो 4 माइनस 5 बाई 2 आएगा, प्लस यहाँ टी का कॉफिशियंट, ये भी टी की टर्म है, तो यहाँ का टी का कॉफिशियंट 4 है, वहाँ का टी का कॉफिशियंट है माइनस का 5 बाई 4, सो दिस इज टी,
नाउ यहाँ टी स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो है हमारे पास 4, यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशियंट है माइनस का 5/8। नाउ आप देखेंगे यहाँ टी क्यूब का कोफिशियंट है 4 और यहाँ टी क्यूब का कोफिशियंट है माइनस का 5/16। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, एफ टी इज इक्वल टू ये आएगा 8 में से 5 गया तो आपके पास 3/2 और जहाँ पे टी है वहाँ जेड रख ही देते हैं हम, बेटर रहेगा, प्लस 16 में से 5 गया तो 11/4 और ये टी है इस टी की जगह वैल्यू रखेंगे हम जेड माइनस 2 प्लस ये आएगा 8 फोर ज़ा 32 माइनस 5 27/8 इंटू ये आएगा जेड माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16 फोर ज़ा 64 में से 5 गया तो ये आएगा हमारे पास 59/16 जेड माइनस 2 का क्यूब। सो इस तरह से हम इसको हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके इस टॉपिक पे लूंगा और वही सेम टू सेम क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं इस टेलर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड तो जो सीरीज की फॉर्म में जैसे हम निकालते हैं डिफरेंशिएट कर करके, पर वो बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी, और मैं अल्टरनेट मेथड से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप भी एग्जाम में कर सकते हैं, आपको कोई मार्क्स पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, क्लियर। सो देखिए फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ जेड इज इक्वल टू 1/(z-1, z-3) अबाउट द जेड इज इक्वल टू 4 एंड आल्सो फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। तो कि किस रीजन में ये सीरीज डिफाइन होगी, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए आप यहाँ जेड इज इक्वल टू 4 दे रखा है तो इसका जो सेंटर होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी 1, 2, 3, 4 राइट एंड दिस इज 5, क्लियर है। तो इसका जो ये सर्कल है जिसका सेंटर 4 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो ये सर्कल ये ऐसा सेंटर आएगा और हमारा जो सिंगुलर पॉइंट है वो 1 और 3 है, एक तो ये हमारा सिंगुलर पॉइंट है और एक हमारा सिंगुलर पॉइंट है, तो इसके सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक तो 3 है और यहाँ से कितनी है 1 है, तो आपको ऐसा सर्कल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेना पड़ेगा जिसकी जो सेंटर जिसका सेंटर है वो 3 और 1 से कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, ताकि ये दोनों पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई नहीं करें, अगर ये दोनों सर्कल के अंदर लाई करेंगे तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा और फिर ये डिफाइन नहीं होगा सीरीज, राइट, क्योंकि टेलर सीरीज की थ्योरम ही बोलता है कि फंक्शन पूरा क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं 1 और 3 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है अगर ये रीजन के अंदर आ रहा है तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा यहाँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेंगे जिस पे क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए, तो इसका जो सेंटर है वो तो 4 है और हम रेडियस क्या करेंगे इसकी 1 लेंगे ताकि ये दोनों पॉइंट क्या करें आउटसाइड या ऑन लाइक कर सकते। सो रीजन ऑफ एक्सटेंस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 1। नाउ अब इसको हम एक्सपांड करते हैं, तो कैसे हम इसको एक्सपांड करेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे कर सकते हैं, और आप इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, सेम तरीका है, बट डिफरेंशिएशन वाला थोड़ा लंबा पड़ता है इसलिए हम इसको इससे करते हैं। सो देखिए आप एफ जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/(z-1, z-3) और यहाँ पे आपको दे रखा है जेड इज इक्वल टू 4, तो हम क्या करेंगे, लेट जेड माइनस 4 इज इक्वल टू टी और जेड को हम क्या ले लेंगे, टी प्लस 4 ये उठा के यहाँ रखेंगे तो यह आएगा हमारे पास 4t और यहाँ जेड प्लस 4 रखेंगे तो यह आएगा जेड प्लस 3 और यहाँ जेड प्लस 4 रखेंगे तो यह आएगा टी प्लस 1, राइट। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो 1/(t+3, t+1) तो यह आएगा हमारे पास a/(t+3, b/(t+1) तो इस t की जगह क्या रखेगी, a 0 हो जाए, माइनस का 3 उठा के यहाँ रखेंगे तो -3+1 तो a की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी -1/2। इस t की जगह क्या रखोगे, b 0 हो जाए, -1 पे 1 पे क्या हो जाएगा 0, सो -1 उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। नाउ ये a और b की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, सो दिस इज -1/2 t+3 1/2 1/(t+1) अब आप जानते हो जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तब हम जानते हैं क्या होता है, 1 + x का इन्वर्स लो या 1 - x का इन्वर्स लो, तो क्या होता है 1 - x + x² - x³, ये जो x है ये x से छोटा होना चाहिए और आगे 1 आना चाहिए, राइट। अब हम चाहते हैं कि यहाँ कहीं एक जगह 1 बन जाए, 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, 3 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, राइट। सो एफ टी इज इक्वल टू 3 को बाहर निकालेंगे तो 1/6 1/(t+3) प्लस यहाँ 1 को बाहर निकालेंगे 1/2 1+t, ना इसको ऊपर ले जाएंगे, सो एफ टी इज इक्वल टू 1/6 1+t/3 1/2 1+t, ना इसको खोलेंगे हम, चूंकि ये प्लस और ये माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो 1 - t/3 t²/9 ऐसे चलता रहेगा ये, और यहाँ पे आपके पास आएगा 1/2 1 - t
प्लस टी स्क्वायर ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहें और जहाँ पर टी वहाँ जेड रख दीजिए, 1/6 प्लस 1/2, यहाँ पे वैल्यू आएगी, एक गड़बड़ हो गई है और वो यहाँ माइनस लिखना भूल गया मैं, तो माइनस आएगा माइनस 1/6 आएगा। नाउ यहाँ पे टी है तो इस टी को कॉमन निकाल दीजिए आप, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/18 और यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का 1/2 टी, और टी की वैल्यू हम रख रहे हैं कितना, जेड माइनस 4 प्लस ये आएगा आपके पास माइनस का 6 9 54 1/54 और यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस का 1/2 जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारी सीरीज आएगी, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और इसके बाद मैं आपको लेने वाला हूँ जो अगला टॉपिक है वो है लॉरेंट सीरीज, और लॉरेंट सीरीज में हम देखेंगे कैसे हम फंक्शन को एक्सपांड करते हैं गिवन रीजन के अंदर, राइट। और मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने डाल रखे हैं, तो आपको आई टैब में दिख जाएंगे, लास्ट में जो वीडियो खत्म होगा उसके लास्ट में आपको सीरीज में दिख जाएगा कि बीएससी और इंजीनियरिंग में मैंने कौन कौन से वीडियोस डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू, कमेंट शेयर और लाइक करते रहिए सो दैट कि मैं इसी एनर्जी के साथ आपके साथ लगा रहूँ। थैंक यू सो मच।